जी, तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के बारे में। इसकी जो लास्ट एपिसोड गुजरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की उसमें मुस्तफ़ा ने और शर्जीना ने एक्टिंग की है, देख के मज़ा आ गया। तो चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि हुआ किस तरह से। कि अब जिस तरह आप लोगों ने देखा कि शर्जीना के जाने से शर्जीना भी बहुत अपसेट है और मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। इनफैक्ट वो मुस्तकिल एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर ही थोड़ी सी ज़िद है, थोड़ा सा गुस्सा है, दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे। फाइनली शर्जीना जो है वो एक, मैं तो कहूँगी कि वो बहाने से ही उसको कॉल करती है मुस्तफ़ा को और कहती है कि मेरा लैपटॉप और चार्जर उधर रह गया, तो ज़रा ये मुझे भिजवा दो, या खुद देना है तो खुद दे दो, नहीं तो किसी राइडर के हाथ भिजवा दो। उधर मुस्तफ़ा भी थोड़ा नखरा करता है, ऐसे ही झूठा मूठा नखरा, और उसको कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा, तुम मंगवा लो, मैं किसी राइडर के हाथ भेज देता हूँ। लेकिन खैर, आना तो उसने खुद ही होता है और वही होता है, वो खुद लेके आ जाता है उसका लैपटॉप और चार्जर। तो शर्जीना जो है अब, अच्छा यहाँ पे इतना अच्छी इन दोनों ने एक्टिंग एक्सप्रेशन दिए हैं और इतना कमाल का सीन है क्रिएट किया है ना, कि दरवाज़ा खोलती है शर्जीना से, लैपटॉप पकड़ती है, अब ना उसको अंदर बुलाती है और ना मुस्तफ़ा का वापस जाने को दिल करता है। मुस्तफ़ा अंदर आना चाह रहा है बट शर्जीना बुला नहीं रही उसको। दिल में तो शर्जीना को भी है कि मैं इसको बुला लूँ अंदर, बट थोड़ी सी उनके बीच में आपस में कोई ऐसी बात होती है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, वो कहते हैं तुमने मुझे पूछा नहीं अंदर आने के लिए, इतनी गर्मी हो रही है। खैर, शर्जीना उसको अंदर बुला लेती है। बस फिर अंदर आते हैं, वो लोग बैठते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। इतनी कमाल की एक्टिंग यहाँ पे शर्जीना ने की है, उसके एक्सप्रेशंस, मुस्तफ़ा के एक्सप्रेशंस, मैं कहती हूँ वो ये पूरा सीन देख के लग ही नहीं रहा था कि ये कोई हम ड्रामा देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये कोई ओरिजिनल सीन चल रहा है, हम सामने से देख रहे हैं बैठ के। फाइनली उनकी दोस्ती हो जाती है और फिर वो मुस्तफ़ा जो है वो शर्जीना को अपने साथ घर ले जाता है। अब शर्जीना घर आ गई है और जो उसकी सास हैं उनका वही एटीट्यूड, उसको देखते ही वो बरस पड़ती हैं उसके ऊपर कि हाँ तुम आ गई। और यहाँ पे फिर मुस्तफ़ा जो है वो आगे आया और उसने उसका हाथ पकड़ के, उसको हग करके उसको कहते हैं कि ये खुद नहीं आई, मैं इसको लेके आया हूँ। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अदील की भी बस हुई हुई है, बहुत तंग है वो रुबाब से, उसके बिहेवियर से बहुत तंग है, और उधर उसको हल्का सा नताशा का सहारा मिल रहा है, उससे उसकी दोस्ती हो गई है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, मे बी रुबाब को इस सारे सिनेरियो का पता चल जाए तो कोई और एक मुहाज खड़ा हो जाए, लेकिन अब ये तो आइंदा जो आने वाली किस्तें हैं उसमें हमें पता चलेगा कि क्या होगा। बहरहाल जो हमने नेक्स्ट एपिसोड का हमने वो देखा है, टीजर देखा है, उसमें यही दिखाया गया कि शर्जीना घर आ गई है और उसकी फिर रुबाब के साथ किसी बात पे लड़ाई हुई है, जो बात बढ़ के दोनों भाइयों के बीच में चली गई है और ठीक ठाक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। तो आगे क्या होता है ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं।